तो वहीं शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 30 मई तक बढ़ा दी गई है। सिसोदिया पर सीबीआई की तरफ से दर्ज कराए गए आरोपों को तय करने के लिए भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में पिछली सुनवाई 7 मई को हुई थी, जिसमें सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज यानी 15 मई तक बढ़ा दी गई थी, जबकि ईडी की तरफ से दाखिल किए गए केस में हिरासत 21 मई तक बढ़ाई गई है। वहीं मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिकाओं को सुनवाई हुई। इस मामले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सिसोदिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट दयन कृष्णन और मोहित माथुर ने दलीलें दी, जबकि ईडी की तरफ से जोहेब हुसैन और सीबीआई की तरफ से एसपीपी रिपु दमन भारद्वाज कृष्णन ने पक्ष रखा।